हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक पांडे एंड वेलकम टू डिजिटल विला। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी होस्टिंग को या डोमेन को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे आपने कोई नया डोमेन लिया और आपको कनेक्ट करना है आपके होस्टिंग से, तो आपको पता होगा कि डोमेन एक नाम है जो कि अपने बिजनेस के लिए सोचा जाता है या लिया जाता है इंटरनेट पर, और उसके कुछ एक्सटेंशन होते हैं जैसे कि .in, .com, .info, .net, और इसको आपको कनेक्ट करना होता है होस्टिंग से। होस्टिंग एक स्पेस है जो कि इंटरनेट पे एक स्पेस लिया जाता है जिसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो मान लो कि आपने दोनों चीज़ ले लिया है और आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो मेरा जो इसमें होस्टिंग है वो होस्टिंगर पे है और डोमेन मैंने गोडैडी से लिया। आमतौर पर लोग डोमेन जो होता है वो गोडैडी से ही लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गोडैडी अपना लॉगिन करना है, जिस भी मेल एड्रेस से आप लेते हो, ठीक है, उससे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका लॉगिन पैनल है वहाँ पे आपको माय प्रोडक्ट में जाना है। जैसे आप माय प्रोडक्ट में जाओगे, आप देखोगे कि जो भी डोमेन आपने लिया होगा उसका लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। और जैसे मैंने जो नया डोमेन लिया है उसका नाम है phonegame.in, तो यहाँ जाके इसके DNS पे क्लिक करना है, डोमेन नेम सर्वर, क्योंकि यही चेंज करोगे तो होस्टिंग से कनेक्ट होगा। तो DNS पे क्लिक करने के बाद इसका एक अलग पैनल खुल जाएगा जिसमें कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, सबसे नीचे आओगे तो यहाँ दिया होगा यूजिंग डिफॉल्ट नेम सर्वर। तो ये जो नेम सर्वर है ये गोडैडी ने हमें दिया है, लेकिन हमारा होस्टिंग अलग है तो हमें इसको चेंज करना होगा। तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे। तो चेंज पे आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ और खुल के आएगा, मतलब जो ऑलरेडी इसके डोमेन सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर है, वो आपको दिखाई देंगे जिसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ कर रहा है इंटर योर ऑन नेम सर्वर इन एडवांस, तो यहाँ आप क्लिक करोगे और यहाँ आपको वो सर्वर नेम डालना है जो आपकी होस्टिंग का है। तो मेरा जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर में है, तो मैं इसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो अभी अपने को क्या करना है कि अपने को होस्टिंग पे जाना है, चाहे अपना पहले तो डोमेन नेम जाना है अपना। होम पे जाने के बाद मान लो आपका ऐसा होम आया होगा, होम पे आपके जो पहले से डोमेन अटैच्ड हैं वो आपको दिखा देंगे। फिर आपको होस्टिंग पे क्लिक करना है। होस्टिंग पे भी आप जैसे जाओगे तो आपके जो भी डोमेन पहले से इसमें अटैच होंगे वो आपको दिख जाएगा। पहले आपको क्या करना है कि ऐड वेबसाइट करना है, जो वेबसाइट आपने नाम जो डोमेन लिया है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ आपको अपना डोमेन नेम डालना होगा। तो यहाँ मेरा डोमेन नेम था phonegame.in, तो इसको कॉपी करना है या खुद भी आप टाइप कर सकते हो इसमें और यहाँ पेस्ट कर दोगे, तो यहाँ phonegame.in आ गया। और कोई भी पासवर्ड रीसेंट के लिए आपने उसमें लगा दिया, ठीक है। तो मैंने इस पर एक पासवर्ड लगा दिया, तो इसमें एक पासवर्ड लग गया। अब इसे ऐड वेबसाइट कर देंगे। तो जैसे आप ऐड वेबसाइट पर क्लिक करोगे, ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, और आप यहाँ देख सकते हो कि लिख दिया वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब जो आपका ये वेबसाइट है ये आपको होस्टिंग में जब जाओगे आप क्लिक करके, जहाँ पर पहले से आपकी कुछ वेबसाइट ऐड थी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ इस लिस्ट में आप देख लो, आपको ये दिखाई दे रहा है phonegame.in, ये आ गया। अभी आपको मैनेज पे जाना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे आपको अपना एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड में साइड में, इस साइड में आपको डोमेन नेम सर्वर मिलेंगे जिसको वहाँ पे आपको गोडैडी में यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ जाके आपको कॉपी करना होगा पहला, कृपया टाइप ना करें क्योंकि आप टाइप करेंगे तो गलतियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा आपको कॉपी करना है और नेम सर्वर फर्स्ट में से पेस्ट कर देना है। फिर ऐसे ही दूसरे वालों कॉपी करना है और DNS के सेकंड नेम सर्वर में इसको जाके पेस्ट कर देना है। अब ये दोनों एक तरीके से पेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमें सेव पे क्लिक करना है। ये सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, दूसरे जो आपका होस्टिंग है वहाँ का जो नेम सर्वर है उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो यस आप क्लिक करोगे और कंटिन्यू कर दोगे। और अब आपका जो है गोडैडी का जो डोमेन नेम सर्वर था वो चेंज हो गया है होस्टिंगर के साथ। तो इसको एक दूसरे से होस्ट होने में, यानी ये जो डोमेन आपका है इसको होस्टिंग में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करो। यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे कि वो आपका डोमेन नेम सर्वर चेंज हो गया है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ देख रहे हो आप कि आपका जो होस्टिंगर का डोमेन नेम सर्वर था यहाँ पर आ चुका है। तो इसको सेटअप होने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं, इसके बीच में भी हो जाता है। तो जैसे ही ये सेटअप हो जाएगा आप इस पर जो भी CMS यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि WordPress आप यूज़ करते हैं, तो फिर आप WordPress इस पर इंस्टॉल कर पाओगे, इससे पहले आप नहीं कर पाओगे। तो आपको 24 आवर वेट करना होगा और आपके जिस मेल से भी आपने ये ख़रीदा होगा उस पर एक टैक्स चला जाएगा
ठीक है, कि आपका सेटअप के लिए तैयार है, फिर आपको जाके वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल करना है और फिर फर्दर प्रोसेस करनी है, जो कि हम आगे जाके करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स, विद समथिंग ग्रेट एंड समथिंग न्यू, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।